मॉर्निंग क्लास टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर 9 दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिक्स. ठीक है, सो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर हैबिटेट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव. सो यू नो व्हाट इज हैबिटेट, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव और अ प्लेस वेयर हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और अ होम. ठीक है, एंड यू नो दैट इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ हैबिटेट. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. ठीक है, टेरेस्ट्रियल मीन्स दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट. ठीक है, यू नो इन फॉरेस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन लैंड दैट लिव्स ऑन लैंड. फॉरेस्ट में आपको एनिमल्स और प्लांट्स नहीं मिलेंगे, लैंड पे रहते हैं. ठीक है, एंड ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड मतलब ऐसी एरिया वेयर विच इज कवर्ड विद ग्रास ऑनली. ठीक है, ग्रास से कवर्ड हो, दैट इज कॉल्ड ग्रासलैंड्स. डेजर्ट. डेजर्ट पता है, यस, सैंड इज प्रेजेंट. ठीक है, सैंड वहाँ पे होती है डेजर्ट में, जैसे राजस्थान. ठीक है, और कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. ठीक है, ये भी पता है, कोस्टल मीन्स कोई भी सी बीच के किनारा, सी का किनारा हो. ठीक है, एंड माउंटेन रीजन्स पहाड़ी इलाका. सो ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. सो वी नो दैट दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ठीक है, उसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी कहते हैं. एंड दोज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स. ठीक है, जो वाटर में रहते हैं उसके लिए हम एक्वा टर्म यूज करते हैं. एक्वा मीन्स वाटर. ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट दैट दोज एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर. और एक्वाटिक हैबिटेट्स में कौन से आते हैं, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. तो लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट. एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. एक्वाटिक हैबिटेट, लेक्स, रिवर्स, ओशंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट. ठीक है, सो देयर आर लार्ज वेरिएशन. यस Yeah.
पार्टी हु सेड पार्टी दे सर हैज with the not allowed light to pass through them.
ठीक है. एंड फोर्थ पार्ट, यू हैव टू कीप द सोप सीड इन अ कोल्ड सराउंडिंग लाइक रेफ्रिजरेटर और आइस अराउंड देम. आइस उसके चारों तरफ रख दो. ठीक है. नाउ व्हाट इज द लिक्विड इन आइस? यस मैम, व्हाट इज द लिक्विड इन आइस? सोप्ड. सोप्ड भी मतलब जो भिगोया हुआ, भिगोना. First, I am going to write something.
take out your bear copy and write it better. Habitats, you know the place where organisms live are called habitats. Correct spelling everyone. Correct spelling is now. The habitats of plants and animals. It is the habitats of plants and animals that live on land are called terrestrial habitat. Because we are telling about habitats. If we said that those plants and animals that live on land are called terrestrial plants and terrestrial animals. But we are defining habitat here. Okay. So come to aquatic habitat. Thank you.
aquatic habitat. Okay, this is your homework that you have to read the chapter from page number 83 to 85 and write the meaning of difficult word. Okay. I mean, no.